रीमेक है सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली। आइए जानते हैं क्या है कहानी। सलमान खान की कई फिल्में पाइपलाइन में हैं। दबंग 3 की रिलीज के बाद सलमान खान राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग में बिजी हो गए हैं। जल्द ही ये फिल्म रिलीज होने वाली है। राधे के बाद सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली में नजर आएंगे। इस फिल्म के स्टोरी लाइन को लेकर कई तरह के कयास सामने आए हैं। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान की मूवी कभी ईद कभी दिवाली पॉपुलर साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक होगी। पिंकविला ने सूत्रों के हवाले से लिखा, सलमान खान को ये फिल्म फरहाद सामजी ने ऑफर की थी। एक्टर को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया। फिल्म में हिंदू मुस्लिम एंगल को लेकर इमोशनल एंगल शामिल है। ये कहानी चार भाइयों की है। कभी ईद कभी दिवाली असल में साउथ सुपरस्टार अजीत की वीरम की हिंदी रीमेक होगी। मेकर्स ने तमिल फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। फिल्म के टाइटल को मैच करते हुए मेकर्स ने कहानी में थोड़ा बदलाव किया है। जब सलमान खान ने फिल्म की स्टोरी सुनी तो उन्होंने तुरंत मूवी में काम करने का फैसला किया था। कभी ईद कभी दिवाली में हीरोइन पूजा हेंगड़े, आयुष शर्मा भी नजर आएंगे। इसकी शूटिंग इस साल अगस्त या सितंबर में शुरू होगी। ये फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज हो सकती है। सलमान खान के वर्क फ्रेंड की बात करें तो उनकी पिछली रिलीज दबंग 3 थी।